मेरा नाम शगुफ्ता हसन है और मैंने नीट का एग्ज़ाम दिया था और उसमें मैंने अच्छा परफॉर्म किया। मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत करी थी क्योंकि मैंने कोचिंग ज़्यादा नहीं की थी, मैंने स्कूल से ही पढ़ाई करी थी सेंगटोरम स्कूल से। तो कोचिंग ना करने की वजह से मुझे इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी। जैसे मैं मतलब पहले तो 14 और 15 आवर्स पर डे पढ़ा करती थी और उसके बाद जब एग्ज़ाम नज़दीक आया देन 19 आवर्स मैंने एक्सटेंड किया। तो इसके लिए बहुत ही ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है। बाकी ये तो एक मतलब NCERT बेस्ड एग्ज़ाम होता है तो इसमें हम अच्छा परफॉर्म, अगर हम मेहनत करेंगे तो ऑब्वियसली हम अच्छा ही परफॉर्म कर सकते। 2 सालों से जैसे हालात है तो हमें पता है कि स्कूल हम नहीं आ पा रहे थे, लेकिन उसके बाद भी हमारे टीचर्स ने हमारा साथ नहीं छोड़ा, उन्होंने हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया स्कूल के बाद भी। इनफैक्ट 12th के बाद भी उन्होंने हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया और जहाँ पर भी हमें डाउट या फिर कन्फ्यूजन होता था वो हमें पर्सनली उसको सॉल्व करते थे या फिर हम उनके घर भी विजिट करते थे, कभी कभी वो हमारे भी यहाँ आते थे। स्कूल के बाद भी उन्होंने हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया, मैं भी मेरे फैमिली मेम्बर्स ने भी मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया इसके लिए क्योंकि उनको मुझ पे भरोसा था। मेरे पास तो नहीं था मोबाइल फ़ोन, इनफैक्ट मतलब मोबाइल फ़ोन एक अच्छी डिवाइस है लेकिन इसका हम ज़्यादातर मिसयूज़ ही करते हैं। अगर हम मतलब बच्चे आजकल अपने पेरेंट्स से मांगते लेकिन पेरेंट्स को लगता है कि वो उसे पढ़ेंगे, हाँ कुछ बच्चे पढ़ते हैं लेकिन बहुत मतलब जो मेजोरिटी होंगे होते हैं वो उसका मिसयूज़ करते। तो इसकी वजह से मोबाइल फ़ोन का होना ज़रूरी नहीं है पढ़ाई के बीच में, क्योंकि मेरा नहीं था, क्योंकि इससे सबसे ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन ही होती है। अगर हम इसका फ़ायदा भी लेंगे लेकिन सबसे ज़्यादा इससे डिस्ट्रैक्शन होती है। पर जिस भी चीज़ में मतलब जो भी टैलेंट है उसके लिए आप मेहनत करें क्योंकि हार्ड वर्क इज़ इम्पॉर्टेंट। और मोबाइल फ़ोन्स का मिसयूज़ बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर हम मोबाइल फ़ोन्स अगर किसी के पास हैं भी तो उसका मिसयूज़ नहीं करना है, बल्कि हमें अपनी पढ़ाई पर या फिर अपने कैरियर पर ध्यान देना, क्योंकि जब एक बार कैरियर बन गया तब हम मोबाइल फ़ोन का अच्छे से यूज़ कर सकते हैं, लेकिन पहले कैरियर को प्रायोरिटी देनी है। जो हमारी स्टूडेंट है हमने इनको 7th स्टैंडर्ड से पढ़ाया है। ये बहुत ज़्यादा ब्रिलियंट स्टूडेंट थी, बहुत ज़्यादा। फ्रॉम सिचुएशन जो कोविड का रहा जिसकी वजह से ये नहीं कर पाई कोचिंग कहीं सेंटर में, तो क्या हुआ इस बच्चे ने खुद पढ़ा एंड विद द हेल्प ऑफ द स्कूल टीचर्स हमने इनको बहुत ज़्यादा हेल्प की है हर एक मोड पे। तो इनको समझाया कैसे करना है, प्लान आउट कैसे आप करोगे, देन और आप देख रहे हो आज शी गॉट दिस सक्सेस एंड दिस इज़ अ बिग थिंग फॉर दिस।